हेलो गाइस, मेरा नाम प्रवेश भारद्वाज और हम DKT चैनल पर फिजिक्स पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को 3 क्लास दी थी और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, राइट। और आज हमारा जो टॉपिक है जो इस क्लास में हम ख़त्म करेंगे वो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं आज की क्लास में आपको इतना पढ़ाऊँगा, राइट। तो हमारा चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है? चैप्टर नंबर फर्स्ट है और चैप्टर नंबर फर्स्ट इसके अंदर हम लोग आज जो पढ़ेंगे उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का नाम है। आप लोग जानते वाली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और गाइस, इसके अंदर हम लोग जो पढ़ रहे हैं आज का जो टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है और किस तरीके से वो उनका डायग्राम बनता है, ठीक है बच्चे। तो आज हम लोग ये डील करेंगे और इसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है? बेसिकली हम लोगों ने ये चीज़ समझी थी जो इससे पहले वाली क्लास थी हमारी, वो आपने मैंने आपको डील कराई थी, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि कोई भी चार्ज अगर होता है तो वो अपने चारों तरफ, कोई भी अगर चार्ज होता है तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता है। जैसे हम लोगों ने सीखा था, कोई भी एक हमारे पास मैग्नेट है बच्चे, तो मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सेम उसी तरीके से कोई भी अगर हमारे पास चार्ज होता है तो वो अपने चारों तरफ क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता है वो, ठीक है यार। आज अपन ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा तो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ बनाएगा और कैसी बनाएगा, और अगर हमने नेगेटिव चार्ज रखा तो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनाएगा, ठीक है यार। तो मान लो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, पॉजिटिव चार्ज से चालू करते हैं। हम लोग बनाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज की। तो गाइज हम लोगों ने क्या करा, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, दैट इज़ द पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज की मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना चाहता हूँ, ठीक है यार। तो अपन लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने क्या करा, इसके चारों तरफ यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा। क्या रखा? एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले वाली क्लास में, टेस्ट चार्ज होता क्या है, फिर से एक बार और रिपीट कर देता हूँ। टेस्ट चार्ज एक प्रकार का पॉजिटिव चार्ज होता है जो एक इमेजिनरी चार्ज होता है जिसको हम सिर्फ कंसिडरेशन के लिए रखते हैं, ठीक है गाइज। तो वो टेस्ट चार्ज मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था, ओके। तो अब बेसिकली क्या है कि मुझे इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, तो वो कैसे करना है? हमने यहाँ पर क्या रखा, एक टेस्ट चार्ज रखा जिसका नाम है क्यू नोट। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ टेस्ट चार्ज रखा, और आप लोग जानते वाली बात कि टेस्ट चार्ज कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये बाहर की तरफ मूव करेगा। तो हमने क्या सीखा कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना चाहते तो वो कहाँ की तरफ आएगी? बाहर की तरफ आएगी, राइट। अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहाँ भी रखूंगा तो ओबीसी बात है रिपेल होके बाहर की तरफ जाएगा। यहाँ रखूंगा तो भी रिपेल होके बाहर की तरफ जाएगा, यहाँ रखूंगा तो बाहर की तरफ जाएगा, राइट। तो अब हम लोग एक चीज़ समझ गए कि अगर भाई ये बताना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ बनती है, तो वो ओबीसी बात है कहाँ बनती है? आउटवर्ड। कहाँ से? किसके आउटवर्ड? पॉजिटिव चार्ज की सरफेस से बाहर की तरफ बनती है। तो पॉजिटिव चार्ज की अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊंगा तो वो मेरा एरो कहाँ जाएगा गाइज? बाहर की तरफ जाएगा, इस तरीके से। ये जो मैं आप बना रहा हूँ ये एरो, ये हमको ये समझा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ की तरफ मूव कर रही हैं? बाहर की तरफ मूव कर रही हैं, ये इस तरीके से। ये पॉजिटिव चार्ज की क्या बना दी मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर हुआ? अब आपको एक बात और समझनी है। वो बात क्या समझनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है बच्चे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर आप ये बोल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ऐसा क्यों होता है? तो उसका भी रीज़न है, वो मैं आपको प्रॉपर्टीज़ में लिखवाऊंगा ऐसा क्यों होता है। फिलहाल अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलती हैं सरफेस से वो कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसलिए अगर जब आप CBSE बोर्ड के एग्जाम में ये डायग्राम बनाने को आते हो तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आप ऐसे 90 डिग्री मार्क कर दोगे, इस तरीके से पेंसिल से 90 डिग्री मार्क कर दोगे, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप ये बताना चाह रहे हो गाइज कि ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, फिनिश। तो ये मैंने क्या बताया, पॉजिटिव चार्ज की। अब सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि एक नेगेटिव चार्ज की आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है तो आप कैसे बनाओगे? तो सीधी सी बात है, आपने क्या बोला कि यहाँ पर एक मैं क्या रखूंगा, एक नेगेटिव चार्ज रख दूंगा इस तरीके से, क्लियर। अब आपको अगर इसकी पता करनी है तो यहाँ पर क्या रख लो, एक टेस्ट चार्ज रख लो। अब बताओ
वो टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, ये कैसा है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव उस पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ रखूंगा तो अट्रैक्ट होगा, यहाँ रखूंगा तो भी अट्रैक्ट। तो ऑब्वियस सी बात हो गई, नेगेटिव चार्ज की अगर हम लोग क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, तो वो कैसी होगी, टूवर्ड्स अट्रैक्ट होगी। तो गाइज एरो हम इसको पहले इस तरीके से बनाएंगे, कुछ इस तरीके से। ये बच्चे हम बना रहे हैं नेगेटिव चार्ज की क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से, और एक वो कहाँ बनेगी, टूवर्ड्स अंदर की तरफ। ये अंदर की तरफ आने का कारण क्या हुआ, क्योंकि वो जो हमारा टेस्ट चार्ज होगा वो इस नेगेटिव की वजह से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है यार, बात समझ में आ रही है। और वो सरफेस की कैसी होगी, परपेंडिकुलर। अब मैं बार बार नहीं बना रहा, आपको समझ गए कि ये सरफेस की कैसी होगी, परपेंडिकुलर। तो ये हमने दो बनाई, एक बनाई पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और हमने क्या बनाई, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब एग्जाम में एक बार क्वेश्चन टिल्ट कर दिया, तो वो क्वेश्चन कैसे टिल्ट करा था वो मैं आपको बताता हूं। तो एग्जाम में एक बार बोल दिया ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नीचे बोलते इनकी बनाओ, क्यू इज ग्रेटर देन टू जीरो और क्यू इज लेस देन टू जीरो, इनकी क्या बनाओ। फर्स्ट पार्ट दिया था और ये सेकेंड पार्ट दिया था एग्जामिनर ने, पहला पार्ट ये दिया था, सेकेंड पार्ट ये दिया था, और बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ इनकी। तो ऑब्वियसली बात है यार, जब उसने यहाँ पर एक लाइन बोल दी कि चार्ज जीरो से बड़ा है, तो इसका मतलब वो किसकी बनवाना चाह रहा है, पॉजिटिव चार्ज की। तो इसका मतलब वो किसकी बनवा रहा था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज की, और यहाँ पर चार्ज जीरो से क्या है, छोटा है, तो किसकी बनवा रहा है, वो नेगेटिव चार्ज की। तो एग्जाम में वो मास्टर एग्जामिनर आपके माइंड से कुछ इस तरीके से पजल करता है कि वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, है ना। वो टाइम तो गया 2006-2007 में कि वो हमसे हमको ऐसे बोलता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज की, है ना। अब वो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा, इस तरीके से घुमाया क्वेश्चन कि क्यू इज ग्रेटर देन टू जीरो की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, क्यू लेस देन टू जीरो की क्या बनाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ। तो वो हम लोग समझ चुके हैं किस तरीके से बनानी है, ठीक। तो हम लोगों ने कितना पढ़ लिया, एक बार उसको समझते हैं और फिर मैं इसको बताता हूँ, फिर हम थोड़ा सा अपनी जर्नी को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कराएंगे, है ना। अपना मेन टारगेट आज की क्लास का जो है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। जैसे मैंने जितनी भी क्लास दी है, तो हर क्लास में स्टार्टिंग में आपको बताता हूँ कि मेन टारगेट हमारा किस टॉपिक पर है, इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बता दूँ, अगर मैं ये वाली क्लास दे रहा हूँ आपको, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेकिन ये भी एक कंसेप्ट है जो आपको सीखना पड़ेगा, राइट। और बिल्कुल हम लोग एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन चल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, राइट। तो ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग एक बार मैं आपको बता देता हूँ। हम लोगों ने पिछली क्लासेज में चार्ज पढ़ चुके हैं, चार्ज का बेसिक पढ़ चुके हैं, कूलम्स लॉ पढ़ चुके हैं। फिर मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल देख लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल से दो डेरिवेशन देख लिए, तीन डेरिवेशन, एक्सियल लाइन, इक्विटोरियल लाइन और टॉर्क, ये तीनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट थे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन देख लिया रिंग वाला, जो 2020 एग्जाम में आया था, ठीक है ना। यहाँ तक फिनिश करा था। तो अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इतना सीखा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आप लोग इतना नोट करेंगे, उसके बाद मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है गाइस। तो बच्चे हम लोग अब आगे की तरफ मूव करते हैं, और हमने इतना सीख लिया और इतनी बातें शायद आपको मेरी समझ में आ चुकी होंगी। अब एग्जाम मैं आपको एक और बनवाता हूँ, और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज डील करते हैं, फिर इसको फिनिश कर देंगे, फिर सीधा हम लोग अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक पे मूव करेंगे, राइट। तो अब मैं आपको, एग्जामिनर ने बोला कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का मतलब क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक ऐसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इसकी क्या बनानी है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं और नेगेटिव में अंदर की तरफ आती हैं। तो अभी मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बना रहा हूँ, बाकी थोड़ा सा आप एनसीईआरटी से उसको ढंग से देखना, वहाँ डायग्राम प्रॉपर बना हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव की तरफ जाएंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव की तरफ जाएंगी, कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा गाइस। पॉजिटिव से निकलेंगे नेगेटिव की तरफ जाएंगी और कुछ इस तरीके से, ऐसे करके यू, राइट है। लेकिन आपको एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए बस, उसके बाद मुड़ जाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस सरफेस की कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। और इस तरीके से, और पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलते तो एरो बाहर की तरफ होगा और नेगेटिव में अंदर की तरफ होगा, क्योंकि नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ मूव करती है। तो ये मैंने बनाया टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, थोड़ा सा इस बात को आपको ध्यान रखना है।
और ये आप डायग्राम एनसीईआरटी से थोड़ा डील कर देना, ठीक है। तो ये मैंने आपको ख़त्म कराया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्जेस की, कैसे कैसे बनती है, पॉजिटिव की कैसे बनती है, नेगेटिव की कैसे बनती है, और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की कैसे बनती है। अब अगर मैं यहाँ पर सेम चार्ज ले लूँ तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो वो रिपेल का एरो बन जाएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ों को डील कर लिया, राइट। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, हम लोग यहाँ तक सीख चुके हैं सारी बातें। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, फिर इसकी प्रॉपर्टी में डील करेंगे। अगर हमसे बोल दें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए, क्या बनाइए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनती है, कुछ इस तरीके से। ये अगर मैं ऐसे एरो बना रहा हूँ तो ये जो मेरा एरो है वो किसका है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का है, राइट गाइज। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का आप लोग कुछ इस तरीके से बना सकते हो, और आप लोग इसको ऐसे भी खींच सकते हो कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये कौन सी फील्ड हो गई, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जहाँ पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, सेम होती है, क्लियर हुआ। तो ये बहुत छोटी सी बातें थी, ये हमने फिनिश करी। अब मैं आपको करवाता हूँ प्रॉपर्टीज़, अगली हेडिंग आपकी आएगी इसके अंदर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, राइट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो आप लोग फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, जो जो मेन पॉइंट है मैं आपको वो लिखवा रहा हूँ, ठीक है, और बाकी कैसे पॉइंट है जो आप पढ़ के बिल्कुल ईजिली समझ सकते हो, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट जो इसका लिखोगे आप लोग, मेजर पॉइंट वो ये है, फर्स्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट आप लोग लिखेंगे इसके अंदर, पॉइंट नंबर फर्स्ट, राइट डाउन, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल। किसी भी एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो ये प्रॉपर्टी का पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे नहीं करेंगी आपस में एक दूसरे को क्रॉस। क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट पर खाली एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम लोग किसी भी एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। अगर मैं किसी सर्कल पे किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट बनाऊं तो एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट जाएगा, दो टेंजेंट नहीं बन सकते, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, क्लियर हुआ। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने आपको, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। उसका रीजन क्या बताया, क्योंकि एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल, फिनिश, राइट, ओके डन। इसके बाद आप लोग प्रॉपर्टी नंबर सेकंड बनाएंगे और उसको लिखेंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 मार्क्स में भी अलग से पूछ लेता है, क्लियर गाइस। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपसे बोलता है, राइट डाउन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस बिकॉज, उसका रीजन। अब मैं उसको आपको रीजन समझाता हूँ, उसका रीजन समझिए, रीजन सुनिए और समझिए ध्यान से, क्लियर। एक बार फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब उसका नीचे आपको मैं बता रहा हूँ रीजन क्या है, क्लियर, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, सुनना बात को बहुत ध्यान से। मान लो 2 मिनट के लिए ये वो सरफेस हो गई जहाँ पर चार्ज रखे हुए हैं। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नॉर्मल ही क्यों होती है सरफेस के, ठीक है। मान लो ये हमारे पास एक, हमने एक सरफेस ले ली जहाँ पर क्या है गाइज, चार्जेस हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, और 2 मिनट के लिए मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के नॉर्मल नहीं है, वो कुछ इस तरीके से कुछ एंगल से झुकी हुई है। ये जो मैंने लाइन खींची, ये किसकी लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और कुछ एंगल से मैंने इसको टिल्ट करवा लिया, राइट। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, आप लोग जानते हो, अगर ये कुछ एंगल से टिल्ट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हम जानते हैं इसके दो कंपोनेंट टूट जाएंगे, एक कंपोनेंट टूटेगा वर्टिकल और एक कंपोनेंट टूटेगा हॉरिजॉन्टल। तो ये तो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, क्या बोलते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का, वर्टिकल। आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपनी सरफेस के नॉर्मल ना होकर कुछ एंगल पे झुक जाए इस तरीके से, तो उसके कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और एक वर्टिकल हो जाएगा। तो जो ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या एग्जर्ट करती है, फोर्स। ये वाली बात मैं आपको पहले वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, F=QE नाम की फोर्स लगाती है।
कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चीज़ जाएगी तो उस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। तो गाइस होगा क्या, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये फोर्स एग्जर्ट करेगा अपने बराबर वाले पार्टिकल्स पर। मेरी बात आप समझ गए, सिमिलरली इसके बराबर में जो पार्टिकल होगा उस पर भी इस तरीके से फोर्स एग्जर्ट करेगी अगर कुछ एंगल से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स झुकी हुई है तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर वाले पार्टिकल्स पे फोर्स एग्जर्ट करेगा और फोर्स एग्जर्ट होने की वजह से सरफेस पर एक मोशन आ जाएगा। और अगर सरफेस पर मोशन आ गया तो करंट का सेटअप हो जाएगा, और करंट का सेटअप हो गया तो बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक, उसकी थ्योरी यहाँ पर फेल हो जाएगी। क्योंकि हम लोग क्या रीड कर रहे हैं, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टेटिक चार्ज एट रेस्ट कंडीशन, ठीक है ना। तो अभी तक फिर हमने जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी या जो भी चीज़ हमने पढ़ी थी वो सारी की सारी क्या बोलते हैं फेल हो जाएगी। तो सिमिलरली मैं आपको दोबारा से एक लाइन फिर से समझा दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के नॉर्मल होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपनी सरफेस के नॉर्मल नहीं हुई, कुछ एंगल पे टिल्ट हो गई, तो उसके दो कंपोनेंट टूट जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से सरफेस पर एक मोशन आ जाएगा जिसकी वजह से चार्ज चल पड़ेगा, और अगर चार्ज चल गया तो वहाँ पर करंट का सेटअप हो जाएगा जिसकी स्टडी हम लोग इस केस में नहीं कर रहे हैं। तो ये एक रीज़न हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के कैसी होती है, नॉर्मल। क्लियर हुआ आपको, मेरी बात समझ में आई क्या? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मतलब प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने सरफेस के नॉर्मल क्यों होती है, राइट गाइज। तो ये मैंने आपसे डिक्टेट करी और आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे, डन। तो हमने इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी, फर्स्ट, और एक कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये सेकंड, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई मैंने आप लोगों को। बाकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो हमेशा एक स्मूथ कर्व बनाती है। कैसा कर्व बनाती है, स्मूथ कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मेक क्या, स्मूथ कर्व। अब आप देख रहे होंगे, ये तो हो गया सेकंड प्रॉपर्टी का डायग्राम, इसको आप लोग बना लेना और उसको लिख लेना। अब मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा कर्व बनाती है, स्मूथ कर्व बनाती है। स्मूथ कर्व का मतलब क्या हो गया, कि अगर जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज था, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी, तो ये लाइन बिल्कुल सीधी खींच रही है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। ऐसे नहीं हो रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे बना रहे हम लोग, कुछ ऐसे, फिर हमने डिस्क्रीट कर दी, फिर ऐसे, फिर डिस्क्रीट कर दी, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, कि जो लाइन बनेगी वो प्रॉपर एक सिंगल लाइन बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइन कुछ बनी फिर बीच में उसका डिसकंटिन्यूस फॉर्म आ गई, फिर दोबारा चालू हो गई, फिर डिसकंटिन्यूस फॉर्म आ गई, फिर दोबारा चालू हो गई, ऐसा नहीं होगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी हम क्या सीखेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी में हम ये सीखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो हमेशा एक कंटिन्यूस कर्व बनाती है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जो चार्ज होता है वो जंप नहीं करेगा। अगर चार्ज जंप करेगा तभी ये चीज़ पॉसिबल है, राइट। तो चार्ज जंप अगर नहीं करेगा तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा कैसा कर्व बनाती है, एक स्मूथ लाइन कर्व बनाती है, ठीक है गाइज। तो जब आप लोगों को मैं एनसीईआरटी इसकी सोल्व करवाऊंगा, एक्सरसाइज और एग्जांपल भी कुछ अच्छे डील करेंगे हम लोग, तो वहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और उसकी क्या पढ़ ली गाइज, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, राइट। तो हमने अभी तक इतना लेक्चर डील कर लिया, तो एक बार दोबारा से हमने कितना लेक्चर पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो डील करा दी है, और मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना सिखा दी, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना सिखा दी, पॉजिटिव नेगेटिव की बनाना सिखा दी, पॉजिटिव पॉजिटिव की आप खुद बना लेंगे, वो रिपल्शन वाली बनेगी, ठीक है। चलो, तो हमने यहाँ तक अपना एक पिक्चर ख़त्म कर ली और इतना डाटा हमने फिनिश कर लिया अपना, राइट। चलिए, अब हम लोग अपने चैप्टर नंबर 1 में थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं। अब जब हम लोग गाइस थोड़ा आगे की तरफ चले, तो हमारे को नेक्स्ट टॉपिक मिला जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये जो टॉपिक है, ये इस चैप्टर की, ये समझ लो आप लोग, इस पूरे चैप्टर की ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। इससे क्या आता है एग्जाम में, इससे थ्योरी भी आती है और इससे न्यूमेरिकल भी आता है। एंट्रेंस एग्जाम का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ, और ये बहुत ईजिली हम लोग इसको फिनिश करने वाले हैं, राइट। तो ये गाइज, ये टॉपिक कैसा हुआ, ये इंपॉर्टेंट हुआ, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डील करते हैं, फटाफट से आ जाओ, और उसके बाद मैं इसके दिखाता हूँ किस तरीके से इस पर न्यूमेरिकल एग्जामिनर बनाता है ना, न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर किस तरीके से बनाता है। लेकिन फटाफट से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? ठीक है, अब आप समझिए मेरी बात को, और इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ध्यान सुनना गाइज। मान लो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर कोई भी एक शीट है, बात को समझना, एक कोई पर्टिकुलर शीट हमने ले ली, ठीक है, और हमने यहाँ पर एक बल्ब रख दिया। क्या रख लिया यहाँ पर? एक बल्ब रख लिया, और उस बल्ब को हमने यहाँ पे उसको बल्ब को ऑन कर दिया। तो अगर मैंने एक बल्ब रखा और बल्ब को ऑन करा, तो बल्ब में से क्या निकलती है? बल्ब में से लाइट निकलेगी। बल्ब में से क्या निकलेगी? लाइट बाहर की तरफ निकलेगी। तो व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको समझाने के लिए मैं समझाने के चाह रहा हूँ, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस एरिए को पिंचर करती हुई बाहर निकली। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस पर्टिकुलर एरिए को पिंचर करती हुई बाहर निकली। तो व्हाट डू मीन बाय फ्लक्स? फ्लक्स क्या है बेसिकली? फ्लक्स बेसिकली एक क्वांटिटी होती है। फ्लक्स बेसिकली एक क्या होती है? क्वांटिटी होती है। जिस अगर फ्लक्स एक क्वांटिटी है, तो फिर ये कैसी यूनिट होगी? ये होगी स्केलर क्वांटिटी, अगर ये क्वांटिटी है तो, है ना। मैं इस पर भी आता हूँ, आप दोबारा से इसको डील करो। अगर ये पर्टिकुलर कोई शीट मैंने ली है, और इस शीट का मान लो कुछ एरिया ए है, इस शीट का एरिया क्या है? ए है। और ये क्या है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये क्या बनाई मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस पर्टिकुलर एरिए को क्या करेगी? पिंचर करेगी। पिंचर का मतलब है इसको थोड़ा अंदर की तरफ टिल्ट करते हुए बाहर निकलेगी, पेनिट्रेट करेगी, दैट्स द वर्ड्स, है ना। तो पेनिट्रेट करते हुए इसको इसने इसको मूव कराया। तो मूव करा का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब कैसी क्वांटिटी हुई, मैं आपको समझाता हूँ, सुनिए, कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ने इस पर्टिकुलर एरिए को पिंचर करा, तो फ्लक्स क्या हुआ? स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे हम लोग उसकी? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया, रिपीटेड, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया, दैट क्वांटिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? उस क्वांटिटी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। आगे समझ में? ये किसी पर्टिकुलर एरिए को कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या कर रही हैं? पिंचर कर रही हैं। तो वो क्वांटिटी कहलाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर मैं आपसे बात करूं, मान लो दो मिनट के लिए एक लाइन मैंने ऐसे भी खींच दी, और ये कितनी लाइन हो गई? एक दो तीन चार, चार लाइनें मैंने आपके सामने खींची इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो यहाँ पर फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी बना रही होगी? ये तीन इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस फ्लक्स बना रही होगी। ये वाली क्यों नहीं बना रही? क्योंकि ये वाली इस एरिया को पिंचर नहीं कर रही, ठीक है। स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवा दी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गाइज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सिंबल होता है वो हम लोग आज से बनाएंगे फाई ई। ग्रीक वर्ड्स होते हैं, इनको ग्रीक्स वर्ड्स बोलते हैं। तो फाई ई इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चे बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो फाई ई किसका सिंबल हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल हो गया। अच्छा, इसको हम लिखेंगे कैसे? फाई ई इक्वल्स टू ई वैक्टर डॉट ए वैक्टर, E वेक्टर डॉट A वेक्टर। ये बेसिकली इसका फॉर्मूला हुआ, E वेक्टर डॉट A वेक्टर। और आप जानते हो, अगर मैं यहाँ डॉट हटाऊंगा तो इस फाई E को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। फाई इक्वल्स टू कह सकते हैं ई ए कॉस थीटा, दैट इज द आवर फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी वेट करो, क्योंकि अभी हम लोग अगले लेक्चर में की तरफ मूव करेंगे। तो एक हमारे पास टॉपिक आया, इसको हम बोलेंगे गॉस थ्योरम, है ना, गॉस लॉ। गॉस साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने भी फ्लक्स के बारे में काफ़ी अच्छी बातें बताई थी। तो जब वो उस वाले टॉपिक की तरफ हम मूव करेंगे तो एक अलग पॉइंट चलेगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग इतना समझ गए कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। और अगर हम डॉट हटाते हैं तो क्या आता है? हमेशा कॉस थीटा आता है। डॉट प्रोडक्ट हटाते तो कैसा आता है? कॉस थीटा आता है। और यहाँ पर जो थीटा है, तो थीटा किस किस के बीच का एंगल है? थीटा जो है एंगल बिटवीन है, ये लाइन बहुत अच्छी है, एंगल बिटवीन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। अब मैं आपको एरिया वेक्टर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसका बहुत रोल है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है गाइज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसमें जो थीटा एंगल आया, वो किस किस के बीच का एंगल हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। अब व्हाट डू मीन बाय एरिया वेक्टर, इसको आप लोग फटाफट समझ लो एक मिनट के लिए। एरिया वेक्टर होता क्या है? चलो मैं आपको बताता हूँ। पहले एक काम आप क्या करेंगे, आपको आपने डायग्राम बना लेना है, आपको मैंने स्टेटमेंट लिखवाया, आपने वो स्टेटमेंट लिख लेनी है, फिर ये फॉर्मूला लिख लेना है, फिर एक दूसरा फॉर्मूला ये लिख लेना है। आइए बताता हूँ इसके और फॉर्मूले किस तरीके से टिल्ट करेंगे। उसके बाद ये लाइन लिख लेनी है, ये पूरा बोर्ड उतार लिया। बोर्ड उतारने के बाद
बोर्ड उतारने के बाद आपको क्या करना है, बोर्ड उतारने के बाद आपको क्या करना है, इसके लिखनी है क्वांटिटी। क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। क्वांटिटी मतलब मेजरमेंट, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा था एरिया वेक्टर की। तो एरिया वेक्टर को समझ लो एक बार। तो एरिया वेक्टर आप कॉपी में लिखोगे, और एरिया वेक्टर के बारे में मैं जैसा जानता हूँ वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों के न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत परेशानी ना आए, ठीक है। तो यहाँ मैंने बोल लिखा एरिया वेक्टर। तो इसको आप लोग कैसे लिखोगे अपनी कॉपी के अंदर? एरिया वेक्टर बिल्कुल ऐसे लिखोगे जैसे मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में लिखने को नहीं आता, लेकिन ये न्यूमेरिकल अप्रोच का बहुत बड़ा एक पॉइंट है, तो आपको वो पता होना चाहिए। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर हमेशा बॉडी के कहाँ बनता है? बाहर बनता है, और सरफेस के बनता है परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर बॉडी के कहाँ बनेगा? बाहर बनेगा, और सरफेस के कैसे बनाना है? परपेंडिकुलर। ये लाइन आपको अपनी भाषा में लिखनी है बिल्कुल एज इट इज़। एरिया वेक्टर बॉडी के बाहर, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब इसका यूज़ कैसे होगा वो मैं आपको न्यूमेरिकल में बताऊंगा, कि किस तरीके से ये लाइन जो भी मैंने बोली हिंदी में इसका कितना बड़ा रोल है, ठीक है। तो हमने इतनी सी चीज़ें सीखी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का छोटा सा फॉर्मूला बना लिया, ई डॉट डी एस या ई डॉट ए एरिया वेक्टर, और थीटा एंगल बिटवीन, किस किस के बीच का एंगल बिटवीन था? थीटा इज द एंगल बिटवीन किस किस के बीच का था? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और एरिया वेक्टर क्या होता है? बॉडी के बाहर बनाना होता है, और सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, वो हमें बेसिकली डायरेक्शन बताता है, ठीक है। ओके गाइज, तो हमने इतना सीखा, किसके बारे में सीखा? ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में इतना सीखा अभी तक, जितना अभी तक मैंने आपको डिक्टेट करी है सारी बात, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने इतना सीख लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, बहुत थोड़ा सा सीखा है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से न्यूमेरिकल एग्जाम में इसको बनाया जाता है न्यूमेरिकली, ठीक है। बहुत ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, और ये बेसिकली चार वैरायटी से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, चार वैरायटी से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो मैं आपको पहली वैरायटी बता रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको चलने का तरीका सिखाऊंगा, बाकी जो क्वेश्चंस होगा वो आप लोग बुक से बनाएंगे, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, एक हमारे पास क्यूब है, बहुत ध्यान सुनना, आसान टास्क है। एक हमारे पास ये रहा क्यूब, ये इस तरीके से मैंने क्यूब बनाया, उसको मैंने ऐसे कंप्लीट करा इस तरीके से, और ये क्यूब कुछ ऐसे रखा हुआ है, ये क्यूब कुछ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है कि डायग्राम भैया ने कैसा बना दिया, कैसा टिपिकल डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो ये हमने क्यूब बना दिया जो एक्स एक्सिस पे रखा हुआ था, एक्स ये हो गई वाई और ये हो गई जेड। बात को समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब बढ़िया, उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे है इस डायरेक्शन में, ई ये ई इस डायरेक्शन में बना रखी है, ठीक है। अब गिवन डाटा क्या था वो बता देता हूँ, ये ओरिजिन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई ना कोई दूरी उसने दे दी, मान लो ए, ये इसकी ये भी साइड भी इसकी ए है पर्टिकुलर, ठीक है। अच्छा ठीक है, आपको गिवन क्या दे रखा है? आपको गिवन दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई और जेड डायरेक्शन में जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? खाली एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मांगा क्या जा रहा है? मेरे से बोला जा रहा है फाइंड आउट नेट फ्लक्स। फाइंड आउट क्या निकालना है मेरे को? नेट फ्लक्स निकालना है मुझे, इस पूरे सिस्टम का नेट फ्लक्स निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नेट फ्लक्स बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे नेट फ्लक्स, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। अगर मुझे इस सिस्टम का नेट फ्लक्स निकालना है गाइज, तो आप लोग बहुत आराम से समझ पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ हैं। एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो गाइज हमारे पास क्या है? हमारे पास एक तो ये वाला प्लेन है, ये मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास ये राइट प्लेन है, आर एल मैं आपको लिख रहा हूँ समझाने के लिए, राइट प्लेन है मेरे पास। और ये वाला प्लेन मेरे पास कौन सा हुआ? ये मेरे पास हुआ लेफ्ट प्लेन, आर एल, ये लेफ्ट प्लेन है मेरे पास, राइट। फिर एक ऊपर का टॉप हो गया और एक नीचे का बेस हो गया, राइट। अच्छा ठीक है, और एक सामने फ्रंट का हो गया, एक पीछे का हो गया क्यूब, आप इमेजिनेशन कर पा रहे हो, ठीक है। अब आप लोग इसके फटाफट से देख लो
कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पर मूव कराएंगे। तो भैया पहले मैं आपको राइट प्लेन के बारे में बता रहा हूँ, तो मैंने इसका एक सेंटर पॉइंट पकड़ लिया ऐसे करके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो ऑब्वियसली बात है बाहर की तरफ जा रही है, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही है, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उसको तो मैं छेड़ सकता नहीं क्योंकि क्वेश्चन वाला कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ है, एक्स डायरेक्शन में है, और वाई और जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, जीरो। तो वाई और जेड डायरेक्शन में हमको कोई फ्लक्स मिलने वाला नहीं है, सिर्फ फ्लक्स हमें कहाँ मिलेगा, एक्स डायरेक्शन में मिलेगा, राइट। तो मैंने पहले लेफ्ट प्लेन देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में थी। अब मुझे बनाना है गाइस क्या, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कहाँ बनता है, बॉडी के बाहर सरफेस के परपेंडिकुलर, ये लाइन मैंने आपको बताई थी। तो अगर मैं इस पूरे प्लेन का एरिया वेक्टर बनाऊं तो वो कहाँ बनेगा, ओवेसी बाहर है, बॉडी के बाहर सरफेस के परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके से। ये ए कैप, दैट इज द एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर बनाने का तरीका है, राइट। अब आप लोग बहुत साफ साफ देख रहे हो यहाँ पर कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल देखूँ तो यहाँ कितना एंगल आ रहा है, जीरो डिग्री। कितना डिग्री एंगल आ गया, जीरो डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ही कौन आ रहा है, एरिया वेक्टर आ रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, जीरो डिग्री। तो ये वाला लेफ्ट प्लेन अभी हमारा फिनिश हुआ। अब मैं आता हूँ इस पे, राइट प्लेन हमारा फिनिश हुआ, अब मैं आता हूँ राइट लेफ्ट वाले प्लेन पे। ये था मेरा राइट प्लेन और ये है मेरा लेफ्ट प्लेन, ठीक है। अब मैं लेफ्ट वाले पे आता हूँ, देखिए जरा ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ई। अब मुझे बताओ एरिया वेक्टर मैं कहाँ बनाऊंगा इस वाले प्लेन का, लेफ्ट वाले का, बॉडी के बाहर सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली बात है वो बॉडी के बाहर सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे बनेगा, ए कैप। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया यहाँ पर, 180 डिग्री, समझ पा रहे हो। जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको चीज़ें समझ में आना चालू हो जाएंगी, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेड है वाला। अब आ जाओ ऊपर सरफेस के लिए, तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो भैया सीधी सी बात है ऐसे ही मूव कर रही है। अब इसका एरिया वेक्टर बॉडी के बाहर सरफेस के परपेंडिकुलर, तो वो कहाँ बनेगा, ऑब्वियसली बात वो बनेगा ऊपर की तरफ ऐसे। ये हो गया ए कैप, यहाँ कितना एंगल बनाया इसने, 90 डिग्री, समझ पा रहे होगा आप। अब अगर मैं यहाँ का बनाऊंगा तो यहाँ का भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही है, इसका एरिया वेक्टर भी कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा ए कैप, तो यहाँ भी कितना बना, 90 डिग्री। दिक्कत परेशानी बात समझ में आई। अब इसका फटाफट सॉल्यूशन कर लेते हैं, आंखों आंखों में थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं ताकि चीज़ें समझ में आए। अब सोचो दो मिनट के लिए, ई ए कॉस थीटा हमारे पास फॉर्मूला है फ्लक्स का, तो ये वाली टॉप वाली सरफेस और ये बॉटम वाली सरफेस, इनका कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो ई ए कॉस थीटा, थीटा कितना पुट करेगा बच्चे तू, 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है, जीरो। तो यानी कि ये यहाँ का फ्लक्स भी क्या हो गया, जीरो, यहाँ का फ्लक्स भी क्या हो गया, जीरो, और सच में जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि इससे सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छूती हुई जा रही है, इसको पिंचर करते हुए नहीं जा रही, इसको छूती हुई जा रही है। तो सीधी सी बात है ये फ्लक्स बनाने पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो टॉप और बॉटम का जीरो हो गया, उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि दोनों का एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, 90 90, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास कौन सा प्लेन आया, राइट, और कौन सा आया लेफ्ट, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, ये आप लोग लिख चुके हो शायद, ये वाली बात है, ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ। अच्छा ठीक है, तो अब आप यहाँ क्या लिखने वाले हो, फ्लक्स लिखोगे कौन सी साइड का, राइट प्लेन का। फॉर्मूला क्या लिखोगे, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, जीरो डिग्री। तो फ्लक्स राइट साइड कितना आया, फ्लक्स राइट साइड का आया ई ए, कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो गई, वन। अब ए, ए होगा इसका इस वाले का एरिया, इस वाले का एरिया क्या हो गया, इस वाले का एरिया हो गया साइड का स्क्वायर, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। मेरी बात आप समझ गए, बस एक छोटी सी बात और थी, क्योंकि आपको गिवन डाटा में ये लिखा हुआ था ई एक्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डाटा है वो था आपका अल्फा एक्स की पावर 1/2, एनसीईआरटी का एग्जांपल है बेसिकली, अल्फा एक्स की पावर 1/2। ये चीज़ क्या थी, ये चीज़ गिवन थी, ये चीज़ क्या थी, गिवन थी। तो ई की जगह पर क्या आ जाएगा, अल्फा, अल्फा एक्स की पावर 1/2, ये गिवन था। बस मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पर ये एक्स है, ये जो एक्स है ये आपको ओरिजन से लेना है, डिस्टेंस होती है कहाँ से लेनी होती है, हमेशा ओरिजन से। तो ओरिजन कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब मुझे बताओ ये वाला प्लेन ओरिजन से कितनी दूरी पर है, ए, ए कितनी दूरी हो गई, 2a, कितनी दूरी हो गई, 2a। तो ये वाला प्लेन ओरिजन से कितनी दूरी पर है, 2a दूरी पर है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, अल्फा 2a की पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर। फिर इसके बाद हम जो भी इसको सोल्यूशन करेंगे वो हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, ईजी। बात समझ में आई, तो ये हमने क्या सोल्व करा, फ्लक्स ऑन राइट साइड। अब मैं आपको फ्लक्स ऑन लेफ्ट साइड को बताता हूँ ताकि आपको और बातें समझ में आए। अब अगर मैं आपसे बोलूँगा फ्लक्स ऑन राइट साइड, फ्लक्स ऑन ये मेरा कौन सा था, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट साइड का बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, और थीटा कितना बन रहा है यहाँ पर, 180 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा ई ए कॉस 180, और आप लोग जानते हो कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस का ई इंटू ए,
फिर से माइनस का ई तो ये रहा, ए की जगह पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। बच्चे बात समझ में आ रही है ना, न्यूमेरिकल पे अपने को बहुत अच्छी कमांड बनानी है, ध्यान रखना। यहाँ इसकी जगह पर तो ए स्क्वायर आ गया, अब बचा मेरे पास फिर से वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई, उसकी वैल्यू क्या है, अल्फा एक्स की पावर 1/2, यहाँ पुट कर दो तो वो कितना हो गया, अल्फा माइनस का एक्स की पावर 1/2 इनटू में ए स्क्वायर। अब जो ये एक्स है वो कहाँ से रखना है मुझे, ओरिजन से। अब बताओ ये वाला प्लेन ओरिजन से कितनी दूरी पर है, ए दूरी पर है, तो इसका मतलब जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा माइनस का अल्फा ए की पावर 1/2 इनटू ए स्क्वायर। बस मेरे कहने का मतलब बस यही था कि जो यहाँ पर एक्स पैरामीटर आ रहा है वो बेसिकली कहाँ से मेजर करना है आपको, ओरिजन से मेजर करना है। अगर मैं इस वाले प्लेन की बात करूंगा तो वो ओरिजन से 2a दूरी पर है, ये वाला प्लेन ओरिजन से a दूरी पर है, ठीक है। अब आपको नेट निकालना था तो आप इसको और इसको दोनों को ऐड कर दोगे, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, दैट इज योर रिजल्ट, फिनिश। तो हमने ये सीखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे न्यूमेरिकल फर्स्ट टाइप कैसे आते हैं वो आपके सामने है। अब पेपर में क्या चीज चेंज कर देगा, टाइप नंबर 2, इसको हटा देगा, एक सिलेंडर रख देगा, आप बना सकते हो, बिल्कुल इजी टास्क है। इसको हटा कर अगर मैं सिलेंडर रख दूं तो बहुत इजीली वो बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको उतार लो, फिर मैं आपको एक बार उसको डील कराता हूँ, फिर फटाफट से दूसरा इसका थर्ड टाइप और ये फिनिश हो जाएगा। ये आप लोग उतार लो उसको फटाफट से एक मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये हमने न्यूमेरिकल देखा जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल था, और आप लोगों के लिए अब जब आप लोग अपने क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कि हाँ रियलिटी में ये अच्छा क्वेश्चन था, जिससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट डील हो जाएंगे, ठीक है ना, कंसेप्ट डील हो जाएंगे। ध्यान रखना मैं कंसेप्ट डील करवा रहा हूँ आपको बहुत ही ओके। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, अब देखो ध्यान से, उसने जो यहाँ क्यूब था उसको हटाकर वो था मेरा टाइप 1। टाइप 2 की बात अगर मैं करूँगा तो टाइप 2 में मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरा ये क्यूब था उस क्यूब की जगह पर क्या आ सकता है, सिलेंडर भी आ सकता है। तो एग्जाम में अगर सिलेंडर आ जाए इस तरीके से, ये सिलेंडर आ गया, ये कुछ इस तरीके से उसने सिलेंडर रख लिया, तो सीधी सी बात है बहुत आसान। अगर सिलेंडर है तो आप लोग ओबियस सी बात है इलेक्ट्रिक फिट सारा डाटा देगा वो उसको ऑटोमेटिकली, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर लोगे। मतलब ये वही टाइप है जो मैंने आपको पहले करवाया है, वो आप ये आप लोग खुद बना सकते हो। ये वाला क्वेश्चन CBSE बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। मैं इसकी लास्ट वैरायटी बता देता हूँ, लास्ट वैरायटी ये थी कि अब ये जो मेरा क्यूब था वो बेसिकली ओरिजिन पे रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, ओरिजिन पे रखा हुआ है। तो इस वाले क्यूब को उठाकर मैं कहाँ रख रहा हूँ गाइस, ओरिजिन पे रख रहा हूँ इस तरीके से। ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ गया, ये ऐसा आ गया, तो जो क्यूब हमारा वहाँ रखा हुआ था अब इसको उठा के हमने कहाँ रख लिया, ओरिजिन पे रख लिया। अगर हमने इसको ओरिजिन पे रख लिया और बाकी सारी कंडीशन वही है जो पहले वाले क्वेश्चन की थी, गिवन डाटा वही है सारा का सारा ऐसे ही, तो आप फटाफट से आ जाओ। तो आपका ये था वो पॉइंट ओ, तो यहाँ से लेकर ये प्लेन कितनी दूरी पर रखा हुआ, ए दूरी पर रखा हुआ है, इसकी साइड ये भी कितनी है, ए है। तो अगर मैं इसका बनाना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर बनेगी, एरिया वेक्टर बॉडी के बाहर सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगा, थीटा कितना आएगा 0 डिग्री। इसका बनाऊंगा इस वाले प्लेन का तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास एरी, एरिया वेक्टर बॉडी के बाहर बनेगा सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगा, तो यहाँ कितना एंगल आया 180 डिग्री, और ऊपर वाला तो वही 90 बनेगा, तो ऊपर वाला तो गेम से बाहर हो ही गया ऑटोमेटिकली। तो अगर मैं आपसे बात करूं फ्लक्स ऑन राइट साइड, तो आप बोलोगे ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा कितना 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो ई ए हो गया, आ रही बात समझ में। तो ई की वैल्यू क्या थी, वो अल्फा एक्स की पावर 1/2, वही फर्स्ट क्वेश्चन का डाटा पूरा एज इट इज ले रहे हैं। तो एक्स कहाँ से नपेगा बताओ, ओरिजिन से नपेगा, ओरिजिन से कितनी दूरी पर है ए, तो ये हो गया अल्फा ए की पावर 1/2 इनटू में ए, ए का मतलब है साइड का स्क्वायर, दैट इज ए का स्क्वायर। जो भी सोल्व करके आएगी वो इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट होगी। मजे की बात इसमें क्या है, मजे की बात ये, जब आप इसके, ये तो मेरा राइट साइड था, अब लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करूं तो जब फ्लक्स लेफ्ट साइड का निकालोगे तो ई ए कोस 180 डिग्री आएगा, ई ए कोस कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। और आप जानते हो कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, वो तो कोई मेन बात नहीं थी, मेन बात ये थी जब आप इसमें ई की वैल्यू रखोगे, ये हो गया माइनस का, ई की वैल्यू रखोगे तो ई की वैल्यू क्या होगी, अल्फा एक्स की पावर 1/2, और एक्स कहाँ से लोगे आप लोग, ओरिजिन से लोगे, बिल्कुल यही बताया मैंने आपको गाइज। तो इस ये वाला प्लेन ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, दूरी पर है ही नहीं, कोई डिस्टेंस है ही नहीं, वो तो ओरिजिन पे ही रखा हुआ है ये वाला प्लेन, तो इसलिए इसकी डिस्टेंस क्या हो गई 0। अगर डिस्टेंस 0 होगी तो ये पूरा फंडा क्या बना देगा इसको 0, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा इसका ऑटोमेटिकली 0। तो जब भी एग्जाम में ये वाला केस आता है तो ये उससे भी आसान केस होता है, क्योंकि उसमें इसमें खाली हमने को राइट प्लेन का निकालना होता और हम लिख देते हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। अगर थोड़ा बाहर की तरफ होता है तो राइट का भी निकालना पड़ता है, लेफ्ट का भी निकालना पड़ता है, इस तरीके से अपने को चीज़ें चलानी पड़ती है। आपको इतनी मेरी बात समझ में आई। तो ये था फ्लक्स पे न्यूमेरिकल, जो छोटी सी स्टेटमेंट मैंने आपको सिखाई, बस बहुत छोटी सी स्टेटमेंट, कि फ्लक्स मैंने आपको क्या बताया था कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया,
और एक छोटा सा फॉर्मूला सिखाया, फाई इक्वल्स टू ई वैक्टर डॉट ए वैक्टर, दोनों के बीच में डॉट आ रहा है, कोस थीटा आ गया, उस डॉट को हटाकर, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वैक्टर, एरिया वैक्टर हमेशा बॉडी के बाहर बनता है, सरफेस के परपेंडिकुलर बनता है, ये लाइन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। फिर उसके बाद ये मैंने आपको दो न्यूमेरिकल दिखाए और वो बताया वो क्वांटिटी कैसे, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हमने फ्लक्स के अंदर पढ़ा इतना सब कुछ, ठीक है। फ्लक्स से अब और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, फिलहाल अभी आपके सामने इतने क्वेश्चंस हैं जहां पर आप लोग थोड़ा सा, जहां पर आपको थोड़ी मुश्किल से पढ़ेंगी, ठीक है। अब इसको उतार लो आप लोग और ये मैं इसको हटा देता हूँ। ये हमारा कौन सा टॉपिक खत्म हुआ गाइस, ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। अब हम लोग जब आगे चलेंगे तो अगली क्लास में हम लोग डील करेंगे गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। तो हमारे पास अभी इस लेक्चर में क्या क्या बचता है, अगले जो लेक्चर आएगा, अगली क्लास जो होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे सीधा गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट, गॉस थ्योरम का प्रूफ और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस। चार एप्लीकेशन है, चारों एप्लीकेशंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, राइट। आज हम लोग इतना ही करते हैं।